वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टडी अबाउट एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन. ठीक है, देखें अभी हमने प्राइमावेरा के अंदर वी हैव ऑलरेडी लोडेड ऑल द एक्टिविटीज. बिफोर दैट वी हैव डन WBS जॉब. हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया. ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की अहमियत बिल्कुल उसी तरह से होती है, सेम लाइक दैट वे के जिस तरह आप एसे के अंदर डिफरेंट तरह की या किसी चैप्टर के अंदर हेडिंग्स होती हैं. सबसे पहले हमने WBS किया, उसके बाद हमने एक्टिविटीज को आपस में लोड किया. एक्टिविटी लोडिंग की प्राइमावेरा के अंदर एक्टिविटी लोडिंग के बाद हमने रिलेशनशिप दिया एक्टिविटीज को आपस में. रिलेशनशिप दिया, रिलेशनशिप चार तरह का होता है, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू फिनिश. ठीक है, वो आपने एग्जांपल्स भी भेज दी असाइनमेंट बना के. अच्छा जी, अब जो तीसरी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप भी क्यूरियस होंगे कि कौन सा काम कौन सी एक्टिविटी. लेट से यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी एक्टिविटीज हैं, मुझे पता होना चाहिए कि एक्टिविटी ए जो है ये कितने दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे. ये आया हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, बी जो है वो हम 4 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे और सी एक्टिविटी जो है वो 6 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे. लेकिन ये चीज कैसे पता चलती है कि ये ए एक्टिविटी, क्या इसके पीछे कोई रूल है, क्या इसके पीछे कोई प्रिंसिपल है? बिल्कुल एक प्रिंसिपल है, उसको हम आज पढ़ेंगे. हमने हर एक्टिविटी के ड्यूरेशन को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है, मैं आपको बता देता हूँ. रिसोर्स एनालिसिस एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम हर एक्टिविटी का एक जो है वो ड्यूरेशन या उसकी वो हाउ मच टाइम दैट सर्टन एक्टिविटी विल टेक टू एग्जीक्यूट. ठीक है, वो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने दिन चाहिए, तो उसको ड्यूरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम रिसोर्स एनालिसिस की टेक्निक यूज करेंगे. तो रिसोर्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज हर उस चीज को कहा जाता है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप यूटिलाइज करते हो और आपका प्रोजेक्ट जो है यानी कि अपनी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है. हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं. देयर आर 3 M. फर्स्ट ऑफ ऑल मैन पावर रिसोर्सेज, मशीनरी रिसोर्सेज एंड मटीरियल रिसोर्सेज. इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज द वे आई पुट ओवर हेयर द वर्ड 3 M. आप अपने ज़हन में रखें कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 3 M है, मैन पावर रिसोर्सेज, मशीनरी रिसोर्सेज और मटीरियल रिसोर्सेज. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको जो है बताता हूँ रिसोर्स एनालिसिस के अंदर हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है. ये एक्चुअली वर्ड था, फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग अबाउट इट इन प्राइमावेरा, सो आई डिफाइन इट. आपके जेहन में एक पिक्चर आ गई होगी, अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं. इन तीनों चीजों का एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले हमें रिसोर्स एनालिसिस के अंदर एक चीज चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या फिर क्वांटम ऑफ वर्क. आपने काम कितना करना है. ठीक है, दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो है जनाब रिसोर्स सेट. ठीक है, तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो है जनाब रिसोर्स सेट के बाद प्रोडक्टिविटी. देखें ये 3 चीजें अगर हमारे पास होगी, मेरे पास एक इक्वेशन है. ठीक है, बिल्कुल आपका बेसिक मैथ्स आपको बताएगा कि किस तरह से आप ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, रिसोर्स एनालिसिस से आप किसी भी एक्टिविटी का दुरानिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. रिसोर्स एनालिसिस टेक्निक लगाएंगे. इस टेक्निक के अंदर आपको 3 तरह की चीजें चाहिए. आपने काम कितना करना है. अब आपने कितना काम करना है ये चीज आपको कहाँ से पता चलेगी. आई विल राइट हियर दिस थिंग. आपके पास ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स की मद में. अब एक और चीज आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यू आर नॉट ओनली द पर्सन कंपनी हैव हु हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स. नो, इट्स लाइक टीम वर्क. आपने अपनी टीम, एक प्लानिंग इंजीनियर के पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैंने किस बंदे से कितना काम लेना है. आपके पास डिजाइन वाली टीम भी होती है, आपके पास कॉस्टिंग वाली टीम भी होती है, आपके पास सर्वेयर्स भी होते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर इंजीनियर्स भी होते हैं. तो जो क्वांटम ऑफ वर्क है वो आपके पास ड्राइंग से जो है क्वांटिटी टेक ऑफ करते हो, या फिर आपके पास एक BOQ भी होता है. ठीक है, उस BOQ से आपको पता चल जाता है कि आपका क्वांटम ऑफ वर्क कितना है. मटेरियल की तो आपको पता चल जाती है सारी चीजें, BOQ के अंदर हर चीज होती है, जबकि ड्राइंग्स के अंदर भी आपको काफी हद तक पता चल जाता है. उस ड्राइंग से ही आपका BOQ जो है वो ड्राफ्ट होता है. ठीक है, एक चीज हो गई. इन केस मैंने यहाँ पे इसलिए चीज लिख दिया ताकि आपके जहन में कन्फ्यूजन ना हो.
मैं इसमें एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको, ठीक है। ये दो चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं, प्लस मीटिंग्स, प्लस आपकी एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द क्वांटम ऑफ वर्क। रिसोर्स सेट, व्हाट इज रिसोर्स सेट? देखें, आपकी एक एक्टिविटी हो रही है, लेट्स से कंपैक्शन। सिविल के अंदर ये एक एक्टिविटी होती है जिसको एनजीसी भी कहा जाता है, नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन। देयर आर मल्टीपल नेम्स, ठीक है। अच्छा, कंपैक्शन दो तरह का नॉलेज होता है, मैं शुरू में बता रहा था आपको। एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है उस चीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे रोड है, रोड की कंपैक्शन पे काम है, तो इसके बारे में जो नॉलेज होगा वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड उसे कहते हैं। क्या उसे कहते हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ये थोड़ी सी एक बीच में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। दूसरा नॉलेज होता है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, आपकी प्लानिंग के बारे में, आपके प्राइमावेरा के बारे में जो भी नॉलेज होता है वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है। तो आपको बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के लिए आप टीम वर्क का भी यूज करते हो, आपका एग्जीक्यूशन में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपको चीजें खुद भी देखनी चाहिए पड़ेंगी, ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर किसी सर्टन फील्ड के अंदर होने के लिए। अच्छा, अब कंपैक्शन आ गया। तो कंपैक्शन एक एक्टिविटी है, इसके ऊपर आपको पता चलना चाहिए कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज काम करते हैं। आपका रोलर काम करेगा, आपका फोरमैन होगा, आपको हेल्पर की जरूरत है, ठीक है। इस तरह से ये तीन तरह के रिसोर्सेज काम करेंगे। इन तीनों रिसोर्सेज को आप कहते हैं रिसोर्स सेट। रिसोर्सेज को हम दो लेवल्स के ऊपर पढ़ेंगे यहाँ पे। प्राइमावेरा के अंदर मैंने आपको पहले रिसोर्सेज बता दिए कितनी तरह के होते हैं। रिसोर्सेज एट प्रोजेक्ट लेवल एंड रिसोर्सेज एट एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अभी हम रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोजेक्ट लेवल पे पढ़ेंगे, साथ साथ ही इसको हम देखते हैं किस तरह से एक्टिविटी लेवल के ऊपर करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट लेवल पे रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सेस करेंगे आप? मैंने पहले बताया कि आप एंटरप्राइज के अंदर जाएंगे, यू विल क्लिक ऑन एंटरप्राइज, यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन विंडो। इन दैट विंडो, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आवाजें जरा आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, एंटरप्राइज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको रिसोर्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगी, उसको क्लिक करें, आपके पास विंडो, मेन विंडो ओपन हो जाएगी प्रोजेक्ट लेवल पे। ये आपने याद रखना है कि रिसोर्स एट प्रोजेक्ट लेवल कहाँ से एक्सेस किया जाता है, ये हम जो कि बाद में पढ़ेंगे। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, इस विंडो के अंदर आपने अपने रिसोर्सेज को ऐड करना है। किस तरह से ऐड करेंगे, स्टेप वन क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन ये एंटरप्राइज, यहाँ पे ये आपके पास रिसोर्सेज का ऑप्शन है, आई विल फॉलो दैट लॉजिक, ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी रिसोर्सेज की। डोंट वरी अबाउट दैट रिसोर्स असाइनमेंट, ये पिछली क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा था तो ये ओपन है, इसको इसलिए मैंने बंद भी नहीं किया प्राइमावेरा, तो इसलिए अभी तक शो हो रहा है। सो यू आर ओनली हेयर टू स्टडी अबाउट रिसोर्सेज, बट आई हैव डन, आई हैव जस्ट क्लिक ऑन एंटरप्राइज रिसोर्सेज एंड आई गॉट दिस विंडो, ठीक है। इस विंडो के अंदर हर रिसोर्स का अपना एक स्पेसिफिक आईडी होगा, ठीक है। हो सकता है आप दो ग्रेडर ऐड कर लें, लेकिन उनका आईडी डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, और एक नाम देंगे आप हर रिसोर्स को, ठीक है, यानी कि ग्रेडर है, रोलर है, और फिर आप रिसोर्स टाइप को डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे रिसोर्स टाइप के बारे में बताता चलूँ, टाइप का क्या मतलब है, आपकी जो मैन पावर है वो लेबर टाइप है, आपकी जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं ये आपने याद भी रखना है वो मटेरियल टाइप है, और जो आपकी मशीनरी रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, नॉन लेबर टाइप है। तो इसी यही हमें प्राइमावेरा बता रहा है कि अगर आप कोई रिसोर्स ऐड करना चाहते हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं सारे रिसोर्सेज शो करूंगा, ओके। ये आपके पास अभी रिसोर्सेज आ रहे हैं, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिन जिन पे आपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हुए हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज एक अलग प्रोजेक्ट के कैसे जनरेट करने हैं, यहाँ पे मैं तरीका बता देता हूँ। आपने किसी और रिसोर्स प्रोजेक्ट के रिसोर्स अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन नहीं करने, तो सबसे पहला तरीका अपना एक डमी रिसोर्स जो है उसको जनरेट करें।
सबसे आखिरी जो रिसोर्स है आपके पास अपने आपके प्राइमावेरा के अंदर, अगर तो आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई वो नहीं है प्राइमावेरा के, फिर भी कुछ इनबिल्ट रिसोर्सेज होते हैं, तो आप सबसे नीचे वाले रिसोर्स के अंडर एक डमी रिसोर्स जनरेट करें, उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये देखें ऐड वाला बटन, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लें। लेट्स से यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ जाता है, मैं एक्टिविटी विंडो के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, या ये देखें यहाँ पे आप नाम लिख लें, ये सबसे नीचे वाले रिसोर्स के अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये डमी रिसोर्स है जस्ट टू नो इन फ्यूचर के इसके नीचे जितने रिसोर्सेज हैं वो मेरे इस प्रोजेक्ट से बिलोंग करते हैं। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जनरेट 3M। आपने इन्हीं स्टेप्स के थ्रू इसको फॉलो करना है, वेरी इजी स्टेप्स। सो ये क्या है, आपके 3M जनरेट करने जा रहे हैं। यू विल क्लिक ऑन दिस टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक नई विंडो ओपन, ये एक नया रिसोर्स आपने ऐड कर लिया है, ठीक है।